शिवपुरी शहर में बेरोजगार युवाओं से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई टॉप 30 गुरुकुलम के नाम से एक विज्ञापन अखबारों में जारी किया गया और इस विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को गुमराह करते हुए 30,000 रुपए की ठगी की जा रही थी। शिवपुरी समाचार .com के पत्रकारों ने सक्रियता दिखाते हुए इसकी सूचना प्रशासन को दी और जब प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि जो संस्था दूसरों को स्कूल संचालन की ट्रेनिंग देने की बात कर रही थी उस संस्था के पास अपना खुद का कोई पंजीयन ही नहीं था। जी हाँ, संस्था केवल रेंट एग्रीमेंट पर बोर्ड लगाकर और विज्ञापन जारी करके ठगी कर रही थी। इसके पास कोई पंजीयन नहीं था, ये किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकती थी, इसके सर्टिफिकेट की कोई मान्यता नहीं होती। युवाओं के साथ ठगी की साजिश की जा चुकी थी। आज यहाँ इस संस्था के बारे में जो शहर में शुरू हो रही है, हमारे साहब हैं जिला पंचायत के, उन्होंने हमको निर्देश दिया कि आप जाकर के देखें कि यहाँ पर बिना नियमों के तहत ये प्रक्रिया जो है भर्ती की इन्होंने कर रखी है। मैंने यहाँ के जो संस्था के संचालक हैं उनसे बात की तो उनको उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर हम यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं जिसके तहत हम कुछ बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ज़िले में इनको जब कोई काम करना था तो इनको अपनी जानकारी, अपने नियम जो इनके बाइलाज हैं वो जिला प्रशासन को और शिक्षा विभाग को अवगत कराना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं कराया। इन्होंने मनमाने तरीके से जो है यहाँ पर क्या कहना चाहिए अपना कार्य प्रारंभ किया है और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि एक घंटे के अंदर ये अपने डॉक्यूमेंट जो है मुझे और जिला प्रशासन को जो है प्रस्तुत करेंगे और जब डॉक्यूमेंट ये प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर क्योंकि कोई कागज प्रस्तुत आवेदन में जो भी इन्होंने अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाया उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो पाया नहीं गया कि ऑथेंटिक है। हाँ, वही उसी के लिए उन्होंने एक डेढ़ घंटे का समय मांगा है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं कमेटी के उन डॉक्यूमेंट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद जो है उन डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ये निर्णय लेंगे कि ये वास्तव में वैधानिक है या गैरकानूनी है।